एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और अभी दोपहर का टाइम हुआ है और मैं बनाने जा रही हूँ आज आलू का चिप्स। तो बस यहाँ पे मैं बड़े बड़े आलू जो है छाट कर हम लेकर आए हैं और इसको हम छील लेते हैं। तो बस यहाँ पे बनाने जा रहे हैं आलू का चिप्स। वैसे मैं पहले ही बना लेती लेकिन मेरे पास चिप्स कटर नहीं था, तो मैं अभी घर के पास वाली जो मार्केट है छोटा सा, तो वहाँ से मैं अभी चिप्स कटर लेकर आई हूँ। ये देखिए आप लोग, तो इसी से मैं काटूँगी चिप्स। और मेरे पास था नहीं वो कद्दूकस वाला, जो एक साइड में कटने वाला होता है, वो वाला मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि एकदम स्लेप मतलब चिकना चिकना कटता है। मुझे लाइनिंग वाला चिप्स चाहिए, अच्छा लगता है लाइनिंग वाला चिप्स। तो बस यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कटता है कि नहीं कटता है, मेरी मेहनत सफल होती है कि नहीं सफल होती है। तो बस यहाँ पे बस वही काट रही हूँ और देख रही हूँ, और मेरे हाथ में भी लग गया इतनी तेज़ से। तो ये देखिए अच्छा कट रहा है। तो ऐसे सारे जो है चिप्स को काट लूँगी। और यहाँ पे जीनी भी आ गई तो मेरी मदद कर दे रही है, वो आलू छील देगी और मैं जल्दी जल्दी काट लूँगी। वैसे ये सब काम में ना अगर दो तीन लोग हो तो टाइम नहीं लगता है। और भाभी जो है पानी में इसको जो है गैस पे चढ़ा के इसको बॉयल कर देंगे, तो उस काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये सब चीज़ें अगर बनाओ ना तो दो तीन लोग हो तो बिल्कुल खलता नहीं है, बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता है और बन भी जाता है। अकेले ये सब आलस आता है, मन नहीं करता है। तो बस यहाँ पे मैं पानी को चढ़ा दी हूँ और इसमें आलू भी डाल दी हूँ। तो इसको मुझे हल्का सा इसको बॉयल करना है, ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो ये पक जाएगा तो ये टूटने लगेगा। तो जब तक मैं गैस पे चढ़ा दी हूँ। और मैं यहाँ आ गई हूँ कपड़ा धुलने, क्योंकि कपड़े भी आज बहुत ज़्यादा हो गए हैं और शाम भी धीरे धीरे हो रहा था, तो मैं सोचा कि चलो आज कपड़े धुल लेती हूँ, नहीं तो कल जो है थर्सडे हो जाएगा तो फिर कैसे धुलूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने मशीन में लगा दिया है कपड़ा, और एक दो कपड़े जो इनके थे वो मैं हाथ से धुल कर डाल दूँगी, क्योंकि शर्ट वर्ट मुझे डर लगता है, मशीन में नहीं डालती हूँ, बहुत जल्दी कलर जो है और सारे कपड़े छोड़ देते हैं, तो इसलिए नहीं धुलती हूँ। तो बस यहाँ पे कपड़े डाल दिए हैं और बस एक बार चेक कर लेती हूँ आलू के पके हैं कि नहीं। तो अभी तो टाइम लगेगा क्योंकि मैंने इसको जो है सिर्फ हाई फ्लेम पर रख दी हूँ, तो क्योंकि बहुत सारा है चिप्स तो पकने में टाइम लगेगा। तो इसको मैं ऐसे बीच बीच में चला दूँगी ताकि ये चिपके ना। और यहाँ पे ये थोड़ा सा हरी मिर्च थी मोटा वाला, इसका जो अचार बनता है, तो बस उसी का अचार बनाने की तैयारी कर रही हूँ। जो दिन का बर्तन था जूठा, ये सारे साफ़ कर दिए मैंने, किचन भी साफ कर दी। और मैं अब जा रही हूँ मिर्च का अचार बनाने। तो थोड़ा सा ही था, आया था दो चार दिन से रखा हुआ था। ये देखिए मिर्च भी लाल लाल हो गई है, तो ये मोटा वाला मिर्च है, तीखा नहीं होता है। तो इसका मैं अचार मतलब ऐसा छौंका लगा दूँगी, इसका अचार बन जाएगा सिंपल सा। मेरे यहाँ अचार खटाई ये सब कोई नहीं खाता है, लेकिन मिर्च का अचार सब बड़े मन से खाते हैं। तो ये ज़्यादा नहीं चलता है, एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलता है। तो इसमें मैं नमक डाल दी हूँ और ये कलौजी मसाला जो, तो ये सिंपल सा मिर्च का अचार बनने वाला है। मैं दो तरीक़ों से बनाती हूँ, एक जो है सरसों और नींबू डालकर बनाती हूँ, मेरे पिछली वाली वीडियो में आप लोग चेक कर सकते हैं। तो जो है यहाँ पे मैं आ गई हूँ डालने। तो ये पानी अभी इतना गर्म है तो इसको मैं गर्म गर्म पानी से निकाल कर डाल दूँगी, नहीं तो ये ज़्यादा पक जाएगा तो सारा टूट जाएगा, मेहनत सारा बेकार जाएगा। तो इसलिए मैं इसको ऐसे फैला दे दूँगी। और छत पे आप देख सकते हैं अभी धूप बिल्कुल नहीं है, शाम हो रहे हैं, 4:45 बज रहे हैं, तो हवा काफ़ी देर तक मतलब काफ़ी तेज़ चल रही है। तो मैं ऐसे डाल दूँगी ताकि इसका पानी अच्छे से सूख जाए, तो ये कल तक अच्छे से सूख जाएगा। और ये देखिए इसमें मैं कलर जो है खाने वाला जो फूड होता है कलर फूड, वो मैंने डाल दिया है जो मिठाई में पड़ता है। तो ये मेरे पास रखा हुआ था कलर फूड, तो ये भी मैंने डाल दिया। और ये देखिए कितना अच्छा ऑरेंज कलर में पूरा चिप्स मेरा बनकर तैयार हो गया है। तो मैं इसको ऐसे फैला दूँगी। Oh, 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 oh
चिप्स मेरे डल गए हैं और जो है अब इसको रात भर के लिए ऐसे छत पे छोड़ देंगे। और तो बस मेरा काम हो गया है, बहुत बड़ा काम था मेरे लिए। मैं काफ़ी सालों बाद बना रही हूँ चिप्स और पापड़। पापड़ तो मैंने मेरी पिछली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं मैंने बनाया था, और चिप्स तो ये सब मैं शौक से बना रही हूँ, मुझे शौक चढ़ा हुआ था इसलिए मैं बना रही हूँ, नहीं तो ये सब ज़रूरी थोड़ी ना होता है, रेडीमेड भी मिल जाता है चिप्स पापड़ तो। मैं आ गई हूँ और ये सब काम करने में बहुत थकान लग जाती है, तो बस मेरी होली की धीरे धीरे सारी तैयारियाँ शुरू हो गई है। अभी गुजिया बनाना है और बहुत सारे काम हैं, तो ये सब चीज़ जो है त्योहारों में ही अच्छा लगता है। चिप्स पापड़ तो मैं बाद में भी बना सकती थी, तो होली के बाद भी, लेकिन अच्छा नहीं लगता। जो मज़ा त्योहारों के पहले होता है बनाने में, वो मज़ा बाद में नहीं आता है। तो बस यहाँ पे मैं जो है सारे कपड़े, ये जो मैं हाथ से धुली थी ये मैं डाल दूँगी, और मशीन वाला भी टाइम लगेगा। और यहाँ पे ये देखिए बना रहा है मैगी। मैं सारा सब कुछ डालकर गैस पर रख दी थी, तो सक्षम बोला कि मैं बना लूँगा, तो बस यहाँ पे। और मिर्च मेरी ठंडी हो गई है, तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। दाल चावल सब्जी किसी भी के साथ खाइए, अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। लेकिन ये एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलता है, क्योंकि जो है इसमें मतलब ये धीरे धीरे एक खट्टा होता है और पानी भी छोड़ता है, तो इसलिए ख़राब हो जाता है। तो बस मैं अब पीने जा रही हूँ शाम वाली चाय, और बच्चे यहाँ पर पूरा फैलाए हुए थे खेल के, तो मैं ये सब समेट लूँगी, सारा सही कर लूँगी ये सब। यहाँ पे ये देखिए ये लोग चेस खेल रहे हैं, ना उनको खेलने का शऊर है ना लड्डू को खेलने का शऊर है, दोनों लोग गुथे हुए खेल रहे हैं और एक दूसरे को काटते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैं इनको आता तो है नहीं, तो अपना बिजी हैं। तो मैं भी सोची कि चलो अपना बिजी रहे ये लोग। और अभी देख सकते हैं रात के 9:30 बज रहा है, और नीचे ये सोफ़ा आने वाला था बेड, तो बोले थे कि मतलब जल्दी आ जाएंगे, मतलब 3-4 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन आते आते लोग को बज गया 9:30। तो ये देखिए नीचे पूरा खाली खाली रहता था, तो अच्छा नहीं लगता था सोफे के बगैर, मतलब सूना सूना लग रहा था। तो ये नीचे जैसे मेहमान वेहमान आते हैं तो बैठने उठने में बहुत दिक्कत होती है, तो बस यहाँ पर सोफ़ा भी आ गया है और एक दीवान वाला बेड वो भी उस कमरा में, मतलब उस कमरे में डलवा दिया है, क्योंकि कमरा वो खाली था, कोई आए जाए तो अपना कम से कम आराम से सो सकता है। और ये देखिए फर्नीचर का सोफ़ा है, अच्छा है, सिंपल सा है सोफ़ा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और इस कमरे में बेड भी डल गया है, दीवान बेड है, तो ऐसे इसमें कोई रहता नहीं है, लेकिन हाँ कोई अगर आए जाए तो रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कमरा हाँ। खाली ही पड़ा था, तो सही है, अपना बेड डल गया। तो बस नीचे का भी पूरा भर गया है, पूरा खाली खाली था, अच्छा नहीं लग रहा था। अब जैसे कोई आता है जाता है तो अच्छा नहीं लगता, चेयर पर बैठता है, तो सोफा रहना बहुत ज़रूरी था। जा रही हूँ खाना बनाने, खाने बनाऊँगी सिंपल सी खिचड़ी, क्योंकि मैं आज बहुत थक गई हूँ। मैं तो वीडियो जो है दोपहर के बाद से स्टार्ट की हूँ, तो उसके पहले मैंने बहुत सारे काम किए हैं, तो इसलिए तो मैं सिंपल सा खिचड़ी बनाऊँगी, और बनाऊँगी मूंग की और चावल की खिचड़ी, अच्छा लगता है रात में, तो वैसे भी हल्का खाना खाना चाहिए, अच्छा होता है सेहत के लिए। खिचड़ी में सिंपल सा हल्दी डालती हूँ, हींग डालती हूँ, नमक डालती हूँ और एक टमाटर डाल देती हूँ, बस सिंपल सी खिचड़ी, और उसको जो है छौंक लगा देती हूँ, तो बहुत अच्छा बन जाता है। अब ये लोग बैठ गए हैं खेलने,
तो अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। बस खिचड़ी बनकर रेडी हो गई है और मैं इसमें छौंक लगा देती हूँ। तो मैं सिंपल सा छौंक हींग और जीरे से ही लगा रही हूँ। लहसुन, वैसे लहसुन मिर्च सब डलता है, लेकिन मैं सिंपल सा ही लगा रही हूँ क्योंकि बच्चों को खाना है तो बच्चों को तीखा नहीं पसंद है। तो यहाँ पे ये देखिए, पापड़, खिचड़ी, घी और दही। तो कहते हैं, एक कहावत कहा गया है कि खिचड़ी के चार यार, घी, पापड़, दही, अचार। तो वही, बस यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो गया है और बस ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो। अगर प्लीज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, और तो प्लीज़ जो है लाइक। और बस मैं अब उसके बाद आप लोगों को बोलती हूँ गुड नाइट, और मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।